सो क्लास थर्ड, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 12 ए एंड द। आज मैं आपको चैप्टर 12 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ए एंड द और कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अब इनका यूज कैसे होता है वो आपको आगे पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता होगा। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। सबको पता है कि ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे होते हैं वॉवेल्स। बाकी के जो बचे बी, सी, डी, एफ, जी, एच एटसेट्रा ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो 26 अल्फाबेट्स में, उनको लेटर भी कहते हैं ये अल्फाबेट्स को, तो 26 लेटर्स में 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी के जो 21 लेटर्स बचे हैं, जो 21 अल्फाबेट्स बचे हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक। अब यूज ऑफ ए। ए का यूज कहाँ होता है? वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए का यूज हम वहां करते हैं जहां पे जिस वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो। कॉन्सोनेंट यानी कि बी, सी, डी, जी, एच, इन इससे स्टार्ट हो। देखिए, आर्टिकल जो आपके होते हैं ए एंड द, ये आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं, स्पेलिंग पे भी डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोस्टली आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं कि आप कोई वर्ड को जब पढ़ते हो तो उसका प्रोनंसिएशन क्या होता है। अगर उसका प्रोनंसिएशन हम कॉन्सोनेंट साउंड से करते हैं या होता है, तो वहां पे हम उसके पहले क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। और अगर किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन वॉवेल साउंड से होता है तो हम वहाँ एन का यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ पेन। हमने कहा अ पेन, अकार, अ ट्री, अ प्लांट, अ बुक, अकार, डॉग, अ बैग, सबके पहले क्या लगा हुआ है? जितने भी वर्ड्स लिखे ए, जिसको हम अ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ए लगा है ना। अब ए ए हमारा क्या है? किससे पहले हम यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट से पहले यूज करेंगे। आ पेन, पेन की स्पेलिंग में क्या है? पेन हमारा पी, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। कार की स्पेलिंग में सी, कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एन। एन का यूज हम कहाँ करते हैं? जो बिगनिंग साउंड वॉवेल्स, यानी जहां पे वॉवेल से स्टार्ट हो जिसका साउंड, जैसे एन एप्पल। अब एन एप्पल में एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? ए डबल पी एल ई। ए ए हमारा क्या है? वॉवेल है ना, ए वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हम एन यूज करेंगे। अब देखिए, एप्पल बोलने में एप्पल, अप एप्पल आ रहा है ना, ए ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और स्पेलिंग भी ए से स्टार्ट है। सेकेंड है ऑरेंज, ऑरेंज, ऑ यानी ओ, स्टार्टिंग भी किससे है? ओ से। ओ हमारा क्या है? वॉवेल है ना, तो इसलिए हम उसके पहले क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। इसी तरह देखिए, और भी एग्जांपल्स दिए, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इंक पॉट, एन आइसक्रीम, एन आर्टिस्ट। तो जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग वॉवेल से हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन लेटर से अगर स्टार्टिंग होती है तो हम उसके पहले एन यूज करते हैं। देखिए, ये तो स्पेलिंग की बात हो गई। मैंने कहा ना कि आपके जो ए एन होते हैं ना, ये स्पेलिंग पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, इससे ज्यादा साउंड पे डिपेंड करते हैं कि आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो तो उसका क्या साउंड निकल रहा है। वी ऑल्सो से एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल गेस्ट एटसेट्रा। सो दिस इज सो बिकॉज द वर्ड्स ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल हैव वॉवेल साउंड्स इन द बिगिनिंग। सिमिलरली वी से अ यूरोपियन मैन। दिस इज सो बिकॉज यूरोपियन हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग। क्या कहा गया? आप देखो, एन ऑनेस्ट मैन, हमने कहा एन ऑनेस्ट मैन। हम यहाँ पे ये जो एच ओ एन ई एस टी है ना, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। इसी तरह ऑनरेबल। अब देखो, स्पेलिंग इसकी किससे स्टार्ट है? एच से स्टार्ट है। एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। लेकिन उसके पहले क्या यूज हुआ है? एन यूज हुआ है। ए तो यूज हुआ नहीं है, तब तो यहाँ पे ए यूज होना चाहिए क्योंकि एच से स्पेलिंग है। नहीं, मैंने कहा ना, किस पे डिपेंड करता है हमारे आर्टिकल? हमारे साउंड पे डिपेंड करते। अब हमने पढ़ा क्या? ऑनेस्ट, हॉनेस्ट तो हमने पढ़ा नहीं, ऑनेस्ट।
जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो हमारा किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। तो इसलिए हम उसके पहले क्या यूज करें, एन यूज करते हैं, क्योंकि एच हमारा क्या है इनमें, साइलेंट है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम एन यूज करेंगे। इसी तरह हमारा होता है यूरोपियन मैन, यूरोपियन, यूरोपियन में देखो ई स्टार्टिंग किससे है, ई से है, स्टार्टिंग हमारी ई से है, ई तो वोवेल है ना, तो एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ए। क्यों? क्योंकि इसमें साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, यूरोपियन, यूरोपियन इसको पढ़ते हैं, यूरोपियन, यो यानी वाई से स्पेलिंग जो प्रोनंसिएशन हो, यूरोपियन। देखो एक चीज और होता है, जब यू, यू आपका क्या है, वॉवेल है, लेकिन जब कोई वर्ड स्पेलिंग अगर वो यू से स्टार्ट होती है, ठीक, और उसका प्रोनंसिएशन भी यू ही होता है, अगर उसका प्रोनंसिएशन भी यू ही निकले, तब वहां हम ए यूज करते हैं, एन यूज नहीं करते हैं। जैसे आपका होता है यूनिफॉर्म, तो एन यूनिफॉर्म नहीं होता, हमेशा अ यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म की स्पेलिंग क्या हो गई, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म। अब स्पेलिंग भी उसकी यू से स्टार्ट है और प्रोनंसिएशन भी उसका यू से ही हो रहा है, इसलिए हम वहां ए यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा कि जहां पे यू आपका स्टार्ट हो, स्पेलिंग बिगनिंग लेटर उसका यू हो और प्रोनंसिएशन भी यू हो, तो वहां पे ए यूज करते हैं। लेकिन अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला की स्पेलिंग में क्या होता है, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई, यू से स्टार्ट हुई ना, लेकिन हम उसको यूम्ब्रेला तो पढ़ते नहीं, उसको हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं, आ। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो किसका प्रोनंसिएशन होता है, आ, अम्ब्रेला, आ का, इसलिए हम वहां उसके पहले एन यूज करते हैं, ये होता है रूल। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक्सरसाइज वन, पुट ए और एन करेक्टली बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, ये बहुत इजी है, सो दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है, ए या एन पुट करना है इन क्वेश्चन, इन वर्ड्स के पहले, पता ही है, जो वॉवेल से स्टार्ट होगा, जिसका प्रोनंसिएशन वॉवेल से होगा उसके पहले एन लगाओगे, जिसका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट से होगा जिन वर्ड्स का, उसके पहले आप आ यूज करोगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ द, अब द का यूज हम कहाँ करते हैं, वी यूज द व्हाइल टॉकिंग अबाउट द डिफिनेट थिंग, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, एनी गर्ल, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, पर्टिकुलर गर्ल आई मेट यस्टरडे। देखो द का यूज वहां होता है जहां पे हम डिफिनेट यानी किसी निश्चित, चाहे कोई निश्चित व्यक्ति हो चाहे कोई निश्चित थिंग हो, जब हम किसी निश्चित पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हम ए नहीं यूज करते, उसके पहले हम द यूज करते हैं, क्योंकि निश्चित हो गए ना। अब इसमें देखो क्या कहा गया, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, लड़की, द गर्ल आ नहीं लिखा है, अ गर्ल नहीं लिखा, द गर्ल, क्योंकि मैं, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, वो लड़की जिससे मैं कल मिला था, तो यानी जब मैं किसी से मिला था, मैं कल मिला था किसी लड़की से, तो यानी वो कौन थी, एग्जैक्ट लड़की हुई ना, मैं जिसके बारे में बता रही हूँ कि वो जिससे मैं मिली थी कल, कल जिससे मिली थी, ऐसे तो मैंने नहीं कहा कि मैं एक लड़की से मिली थी, क्योंकि एक लड़की तो नहीं भाई, निश्चित हो गई ना, जिस लड़की से मिली होंगी वही लड़की होगी। तो इसलिए जब हम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं उसके पहले हम द लगाते हैं, या किसी के बारे में बात, एक सेंटेंस में उसके बारे में बात बता गई हो और दूसरे सेंटेंस में फिर हम उसके बारे में कोई बात बता रहे हों, तब भी हम वहां द यूज करते हैं। पहले वाले सेंटेंस में तो हम ए यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, जो भी उसके पहले यूज हो रहा है वर्ड के पहले, लेकिन जब हम उसी चीज के बारे में, उसी वर्ड के बारे में हम दोबारा बताएंगे उस सेंटेंस में, तब हम द यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, न्यूज पेपर्स, बुक्स एटसेट्रा। अब देखो जैसे नदियों के नाम रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती एटसेट्रा, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, इनके पहले भी हम द यूज करते हैं। माउंटेन्स यानी जो पर्वतों के नाम हुए उसके पहले हम द यूज करेंगे। न्यूज पेपर्स यानी न्यूज पेपर नहीं, न्यूज पेपर का जो पर्टिकुलर नाम हो, जो एग्जैक्ट नाम हो न्यूज पेपर का, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स नाम है ना न्यूज पेपर के, तो उनके नाम के पहले हम द यूज करेंगे। बुक्स, अब देखो इंग्लिश बुक, हिंदी बुक के पहले नहीं द लगाएंगे, अगर उस बुक का पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया गया, उस बुक का निश्चित नाम दे दिया गया, तो हम उसके पहले द यूज करेंगे, जैसे द रामायण, द महाभारत, द भागवत गीता, द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो द लगाएंगे उसके पहले। ठीक, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स,
आप देखो, और हम द कहाँ यूज करते हैं, जो यूनिक थिंग्स हो, मतलब जो अद्वितीय हो, मतलब जिनकी तरह दूसरा कोई ना हो, जो यूनिक थिंग्स हो, उनकी तरह दूसरा कुछ भी ना हो, तो वहां पे भी हम द यूज करते हैं। जैसे द सन, क्या सन की जैसे दूसरा कुछ है? नहीं होता, यूनिक चीज है ना, इसकी जैसा संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। द अर्थ, द मून, द स्काई एटसेट्रा, जो यूनिक थिंग्स होती हैं, उसके पहले भी हम द यूज करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा द का यूज। अब आते हैं एक्सरसाइज टू पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। अब देखो, ए एन द का हमें यहाँ पे यूज करना है। अ मैन इज स्टैंडिंग, अ मैन इज राइडिंग अ बाइसाइकिल आउटसाइड अवर हाउस। अ मैन हो गया, क्योंकि हमने बताया कि एक आदमी घर के बाहर, हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो कोई भी आदमी हो सकता है जो हमारे घर के बाहर चलाए। सेकंड नंबर, मिस्टर शर्मा इज डैश फेमस आर्टिस्ट। मिस्टर शर्मा एक फेमस आर्टिस्ट है। अब ए यूज होगा कि एन यूज होगा? ए यूज होगा, क्यों? क्योंकि एफ, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। एस इज मेकिंग नॉइज, एस ए डबल एस है, ए हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या यूज करेंगे, एन। एस इज मेकिंग अ नॉइज। फोर्थ नंबर, दिस इज डैश बुक आई बॉट यस्टरडे, यह किताब जिसको मैंने कल खरीदी थी। अब देखो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कि यह वही किताब है जिसको मैंने कल खरीदी थी, तो यानी हमने जो किताब खरीदी होगी वही होगी ना, निश्चित किसी पर्टिकुलर किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या यूज होगा, ए और एन तो यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, द यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने कल खरीदी थी, उस वाली किताब के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी किताब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, और देखो, ए और एन का मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब होता है एक, हिंदी में उसका मतलब होता है एक, और ए और एन हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, ये भी याद रखिएगा, ए कभी भी प्लूरल के साथ ए और एन यूज नहीं होता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, तो ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। ठीक, फाइव नंबर, सुरेश इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है पता ही है, एन यूज होगा। अब सन राइजेस फ्रॉम डैश ईस्ट, अब सन है यूनिक थिंग है ना सन, तो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द यहाँ ईस्ट में भी पहले, क्यों, क्योंकि हम दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वो भी यूनिक थिंग हुई ना। नेक्स्ट, अर्थ इज राउंड, अब अर्थ क्या है वो भी यूनिक है ना, तो द अर्थ इज राउंड। एट नंबर, आई विल मीट यू आफ्टर डैश आर, अब देखो ये जो एच ओ यू आर, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते हैं, एन आर, क्यों, क्योंकि आर प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ओ से हो रहा है, और आर का मतलब होता है घंटा, तो आई विल मीट यू आफ्टर एन आर। नाइन नंबर, यू मस्ट नॉट प्ले विथ, तुम्हें चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले विद द नाइफ, या ए भी हो सकता है, आप कुछ भी फिल कर सकते हो, ए भी हो सकता है और द भी हो सकता है, आप यही फिल करना कि आपको एक चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए। टेन नंबर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एन नहीं होगा क्योंकि ग्लास, ग्लास में जी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। कीप कीप विंडोज ऑफ योर क्लास ओपन, तो अपने क्लास की विंडोज ओपन करो, यानी कि मैं तुम्हारे क्लास की विंडोज ओपन करने के लिए कह रही हूँ, किसी दूसरे क्लास की कह नहीं रहे, तो पर्टिकुलर थिंग हुआ ना, तो कीप द विंडोज। एक चीज और देखो, विंडोज लिखा है यानी प्लूरल है, और मैंने बताया है ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ नहीं यूज होता, तो समझ जाओ विंडोज है, तो यहाँ पे द ही यूज होगा, कीप द विंडोज ऑफ योर क्लास ओपन। 12 नंबर, माई फादर हैज बॉट अ न्यू ड्रेस, मून आ गया, अब देखो 13 नंबर मून आ गया, द मून इज हिडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। अब देखो, बर्ड्स है तो अ बर्ड्स होगा नहीं, ध्यान रखिए जब आप ए और एन का यूज करिए तो सबसे पहले प्रोनंसिएशन देखिए और वर्ड्स को देखिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बर्ड्स, ब्लड बर्ड्स प्लूरल हुआ ना, तो ए यूज नहीं होगा, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई आपको क्या यूनिक थिंग हुई, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो बहुत इजी है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए एन एंड द अप्रोप्रिएटली, इसमें आपको ए एन द का यूज करना है, मैंने बताया ना कि ए और एन एक के लिए यूज होता है और द यूनिक थिंग्स के लिए, और जब हम किसी के बारे में एक बार बता दिए हों और उसके बारे में हम दोबारा बता रहे हों, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बता रहे हों, वहां द यूज करेंगे। ठीक, वन डे अ मंकी केम इन आवर स्ट्रीट, एक दिन एक मंकी हमारे सड़क पर, माई गली में आया, इट स्नैच्ड,
उसने खींचा, झपट्टा मारा, किसको? एप्पल। एप्पल के पहले क्या यूज होगा? एन यूज होगा। इट इज स्नैच्ड एन एप्पल एंड अ बनाना, ये बनाना होगा ना, फ्रॉम माई फादर्स हैंड, उसने मेरे फादर के हाथ से एक एप्पल और एक बनाना छीन कर ले गया। अब मंकी क्लाइम्ड, अब यहाँ पे क्या होगा? अ मंकी होगा। अ मंकी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन अ ट्री। नहीं, अ मंकी नहीं होगा, क्योंकि हमने मंकी के बारे में पहले वाले सेंटेंस में बता दी कि वन डे अ मंकी, एक दिन एक मंकी आया था। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा मंकी पहले? द, क्योंकि हम उसी मंकी के बारे में बता रहे हैं ना। तो द मंकी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन अ ट्री, कि मंकी आया और वो झट से चढ़कर कहाँ पे बैठ गया? एक पेड़ पर बैठ गया। फिर मंकी आ गया, फिर उसी के बारे में बात हो, तो फिर द यूज हो गए। द मंकी सेट ऑन द हाइएस्ट ब्रांच, या ऑन अ, द मंकी सेट ऑन अ हाइएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। अब देखो वहां पे ए ट्री था, यहाँ पे क्या द ट्री लगाएंगे, क्योंकि ट्री के बारे में भी हम एक बार बता चुके हैं पहले वाले सेंटेंस में, तो दोबारा हम ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो द मंकी सेट ऑन अ हाइएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। एवरीबडी वॉज वॉचिंग इट आफ्टर ईटिंग ईटिंग फ्रूट्स। फ्रूट्स है तो द यूज होगा, क्योंकि प्लूरल है। तो आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स ही हैड स्नैच्ड एंड ही हैड स्नैच द मंकी वेंट अवे, क्योंकि फिर मंकी के बारे में यूज हो रहा है, इसलिए हम द यूज करेंगे। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर ए एंड द आर्टिकल्स।